सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑन आवर्स प्ले सुपर चैप्टर नंबर 1103 अब आ चुका है और उसी के साथ मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ड्रैगन बहुत ही जल्द स्टोरी में आने वाला है। कैसे ये मैं तुम्हें वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस चैप्टर में जो जो कांड हुआ है ना, भूनी के पास नीका डबल फ्रूट का वेरियंट नहीं है, भूनी के पास एज फ्रूट नहीं है, उसके पास तो कुछ अलग ही चीज उसके पास पड़ी हुई है भाई, चूलेगी भाई, जो कि देख के मेरे को सच में दिमाग खुल गया कि ओडा सेंसेई क्या क्या इमेजिन करते हैं। इसके अलावा तुम्हें इस चैप्टर में पता चलेगा ना कि किस तरह से सैटर्न ने कुमा को चूतिया बनाया कि तू अपनी जान मुझे ऑफर कर, वो भी फ्री में सैटर्न सब कुछ लेके गया भाई कुमा से। जो पिछला 10 चैप्टर हमने पूरा पढ़ा ना कुमा की जिंदगी के बारे में, वो सब कुछ सैटर्न ने सेट किया था, चूतिया बनाया तुमको शुरू से लेके अंत तक। बोनी की बीमारी रीजन नहीं थी कि कुमा की जान गई, सैटर्न वो रीजन था जिसकी वजह से कुमा मरा। और बहन के लौड़े ने मुझे भी रुलाया यार, अब तो मैं वेट कर रहा हूँ नीका कब कमबैक करेगा। खैर अगर तुम्हें भी जानना है कि आखिर ऐसा सब कुछ क्या क्या हुआ इस पूरे चैप्टर में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और तुम में से अभी भी 48% या आई थिंक 49% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो भाई प्लीज कर दो। अबे इस बीच में तो इतने कम लोग वीडियोस देख रहे थे क्योंकि मांगा उन लोग के हिसाब से थोड़ी बोरिंग जा रही थी, कि चैनल का थोड़ा स्टैट्स नीचे आ गया भाई, बढ़ा दो यार सच में, 2K सब्सक्राइबर्स पर मंथ हो गए, बढ़ा दो इसे फटाफट बढ़ाओ। एंड नाउ वी आर वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो गाइस चैप्टर स्टार्ट होता है, इस बार हमें दो कवर पेजेस देखने को मिलते हैं क्योंकि इस बार फिर से लूफी ने शोनेन जंप के कवर पेज पे धावा बोल दिया है। कवर मैगजीन के कवर पेज पे लूफी यहाँ पर ड्रैगन कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, सिर्फ लूफी नहीं और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं, मिदोरिया वगैरह, ये सब लोगों ने ड्रैगन कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। उसके बाद जो अपना मेन मांगा कवर पेज है, वो जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे लगता यामाटो लूफी को ज्वाइन करने वाली है, बट फिर मैंने ओवरऑल देखा तो यहाँ पे ड्रैगन यानी कि चोमोनोसुके भी है अपना पिंक ड्रैगन, और एंड ऑलमोस्ट सबके चूचों पे ड्रैगन बना हुआ है, इवन जोरो के छाती पे तो ड्रैगन लिखा भी हुआ है। तो अगर अभी तक तुम्हारे दिमाग घोड़े नहीं भग रहे तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि ये साफ साफ फोर शेडोइंग है कि ड्रैगन आने वाले 10-15 चैप्टर्स में हमें दिखने वाला है, वो भी एक्शन में, क्योंकि जो भी ड्रैगन रिलेटेड कैरेक्टर्स है जैसे कि काइडो और मोमोनोसुके, इन लोग का तो हिसाब खत्म हो गया है। मोमोनोसुके इन एनी वेज किसी भी हालत में वानो छोड़ के यहाँ तक तो नहीं आने वाला, और काइडो का क्या हिसाब है वो अभी तक हमें नहीं पता है, लेकिन जो अपना ड्रैगन है वो पक्का एगेड आइलैंड पे आने वाला है, क्योंकि अभी इसी चैप्टर में इस चीज के बारे में हल्की सी बात उसने की भी है। खैर मैं चैप्टर पे आते तो चैप्टर नंबर 1103 आई एम सो सॉरी डैडी, तो यहाँ पर जो बोनी है वो अपने बाप को बहुत ज्यादा सॉरी बोल रही है क्योंकि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अभी ऑलरेडी ये चीज बोनी को तो पता थी, बट अभी वो सॉरी इसलिए बोल रही है क्योंकि इस बार ये जो सैटर्न है, एक तो ये बहन का लौड़ा जब भी मुझे दिखता है मुझे गुस्सा हो रहा था यार, तो इस सैटर्न चूतिया ने इस बार रिवील कर दिया कि उसने एक ऐसा छोटा सा कांड किया था जिसकी वजह से ही कुमा पूरे चक्रव्यूह में फंस गया था। अभी ये क्या है मैं तुम्हें चैप्टर के एंड तक बताऊंगा। तुम्हें लग रहा होगा ना कि कुमा ने बोनी की जान बचाने के लिए सब किया, ना बिल्कुल भी नहीं, ये सब सैटर्न का प्लान किया हुआ था। चैप्टर स्टार्ट होता है, टैलेंट पे हम देखते हैं कि बोनी और वेगा पंक आमने सामने खड़े हैं और वेगा पंक यहाँ पे बोल रहा है कि बोनी तुम्हें सब कुछ पता चल गया। इसमें बोनी कहती है हाँ मेरे को सब पता चल गया है, और ये सुन के वेगा पंक बहुत उदास हो जाता है और बोलता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने अपना प्रॉमिस कुमा को तोड़ दिया। खैर इसका प्रॉमिस उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा बोनी का छोटा सा बच्चों वाला दिल था, क्योंकि वो दौड़ते हुए जाके वेगा पंक को हग कर लेती है, एंड इवन इस मोमेंट पे तो वो इतना ज्यादा इमोशनल हो गई है कि उसके पावर्स भी काम करना बंद कर देते हैं, वो वापस से छोटी बच्ची बन जाती है। खैर बोनी उसको हग करते हुए रोती है और उसको सॉरी बोलती है वेगा पंक, लेकिन वेगा पंक उसको एक गिफ्ट देता और कहता है ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया था तुम्हारे 10वें जन्मदिन के लिए, और ये गिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि सन जैसा दिखता हुआ एक सफायर का नेकलेस होता है। खैर वेगा पंक इसको बताता है कि ये सिर्फ एक नेकलेस नहीं है, ये एक तावीज की तरह है, तो तुम इसको हमेशा अपने साथ रखना। अभी वेगा पंक और बोनी यहाँ पर बात कर ही रहे हैं कि तभी उसे लूफी की आवाज आती है बैकग्राउंड से, और वेगा पंक बोलता है कि ये कितनी ही अजीब बात है ना कि 2 साल में ये लौंडा क्या से क्या बन गया है। इस पे बोनी कहती है मुगीवारा ये तो वही है ना जो पापा के दोस्त का बेटा है। इस पे वेगा पंक बोलता है हाँ वही लौंडा, और मैं तो अचंभित हो गया था जब तुम दोनों एक साथ ही इसी आइलैंड पर पहुंचे, किस्मत भी कितनी अजीब चीज है। वेगा पंक उसको आगे बताता कि जब तक तुम ये पूरी की पूरी बैक स्टोरी देख रही थी कुमा की, उसके मेमोरीज को देख रही थी, तब तक इस आइलैंड पे बहुत कुछ हो चुका है। इनफैक्ट अभी कुछ समय पहले तो ये क्रू ने मेरी जान भी बचाई है, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ बोनी, पहले हम चल के उनसे मिलते हैं और वेट करते हैं कि पहले सारा ये जो भसड़ है ये शांत हो जाए। इसके बाद वेगा पंक बोनी को सॉरी भी बोलता है कि वो कितना वर्थलेस आदमी है, बस एक साइंटिस्ट है जो कुछ पैसों के लिए कुछ भी कर रहा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। इस पे बोनी बोलती है कि तुम गलत हो वेगा पंक, असली विलेन तुम नहीं हो बल्कि असली विलेन ये बंदा है, ये जो कीड़े जैसा दिखता है ये चूतिया। खैर ये सारी बातें जो वेगा पंक से हो रही थी कुछ घंटों पहले हुई थी, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो प्रेजेंट की जो बोनी है वो इस समय सैटर्न के हाथों में दबी हुई है, तो ठीक वही सीन रिज्यूम होता है जहां पर सैटर्न उसको बोलता है ज्वेलरी बोनी तुम्हारा जो बाप है ना
वो पूरी तरह से मर चुका है। और आसपास हम देख सकते हैं कि सांजी, वेगा, पंक, फ्रांकी ये सब वहां पर खड़े हैं, बट बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे क्योंकि सैटर्न वहां पे प्रेजेंट है। अब इसके प्रेजेंस में ऐसा कौन सा जादू है ये चीज समझ में नहीं आ रहा। ये कॉन्करर साकी से भी कुछ ऊपर की चीज है, क्योंकि जितना मुझे पता सांजी इतना स्ट्रांग है कि किसी की भी कॉन्करर साकी हो सांजी वहां पर हिल डुल सकता है। और अगले पार्ट में हम देख सकते हैं लूफी यहां पर जमीन पे गिरा हुआ है सूखा एकदम डंडे जैसा बनके और खाना मांग रहा है। इसको अभी भी खाना चाहिए इस सिचुएशन में। एटलस भी यहां पर प्रेजेंट है और वो कहती है कि मैं दे देती लेकिन मैं भी हिल नहीं पा रही हूँ, कहां से तुझे मीट ले आके दूं। इसके अलावा मरीन्स ने सेंटोमारो को भी दबोच लिया है। यहाँ पर किजारू भी नीचे जमीन पर गिरा हुआ है और सेंटोमारो के पकड़े जाने पे कहता है कि सेंटोमारो और वेगापंक दोनों पकड़े गए यार। थोड़ा सा उदास लग रहा है, मे भी थोड़ा कम बैक करे ये, हू नोस। एक और मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा एगेड आइलैंड पे जो पूरा कांड हो रहा है ना, ये 24 घंटे से भी ऊपर हो चुका है ये चीज होते हुए। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, आई थिंक एक घंटे तक तो इन्होंने बैरिकेडिंग लगा रखी थी। तो अब ये सारी चीजें जो है वो न्यूज में फैल चुकी हैं और जनता इस पूरे न्यूज को पढ़ रही है और कह रही है एक योंको के साथ ये सब हो रहा है, मैटर तो बहुत बड़ा होने वाला है। कुछ लोग तो पढ़ के ये भी बोल रहे हैं कि ये ओहारा इंसिडेंट से भी बड़ा कांड हो रहा है। खैर यहाँ पर अगले पैनल में हम देखते हैं मंकी डी ड्रैगन को और ड्रैगन यहाँ पर बोल रहा है कि चलो मान लेते हैं कि कुमावी भी थोड़ा बहुत इंसान है, तो इवॉनकॉव मेरे को ये बताओ कि इस सिचुएशन में वो कहां पर जाएगा। इस पे इवॉनकॉव उसको बोलता है कि अगर मैं होता तो मैं वापस से मरी ज्वाइन जाता और जाके एक दो घुसन पेल के आता। जिस पे ड्रैगन बोलता है वो तू होता तो तू ऐसे कांड करता, ये LGBTQ की बात नहीं हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट आदमी की बात हो रही है। कुमा हम सबको पता है कि थोड़ा सा अलग है। अब जैसा कि तुम देख रहे हो ड्रैगन ने ये बात बोल दी है, वो कंसर्न है कि इस समय कुमा कहां पर होगा, तो चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि ड्रैगन हो सकता है एगेड आइलैंड पर पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि ड्रैगन को अभी ये न्यूज अभी जस्ट मिली है और ऑलरेडी एक दिन बीत चुका है, तो ये चीज बहुत ही क्वेश्चनेबल है कि अगर ड्रैगन अभी भी नाव लेके निकलेगा तो उसको पहुंचने में थोड़ा तो समय लगेगा। अनलेस ड्रैगन के पास कोई लेजेंडरी ट्रांसपोर्ट वाली पावर हो जैसे अपने डोफ्लामिंगो के पास हुआ करता था, तो बिल्कुल वो भी कुमा की तरह यहां पर तुरंत पहुंच जाए, बट इसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है ड्रैगन बीच में कहीं ना कहीं तो इंटरसेप्ट करने वाला है, क्योंकि उसको कुमा की हेल्प करनी पड़ेगी। क्या उसके हम वापस से आते हैं एगेड आइलैंड पे और हम यहाँ पर देखते हैं बोनी को। बोनी यहाँ पर सैटर्न को बोले कि अगर मैं मरने ही वाली हूँ तो क्यों ना मैं तुझे मार के ही मरूं। और उसके बाद हम देखते हैं बोनी लिटरली अपना वापस से वही सेम मूव एक्टिवेट करती है जो हमने अभी फ्लैशबैक में देखा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि बोनी लिटरली निकाइश फ्यूचर ये वाला मूव वो एक्टिवेट करती है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था अपने फ्लैशबैक सीन में भी उसने यही चीज की थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल लूफी की तरह ही अपने अंदर मतलब हवा भर लेती है या फिर अपने हाथों को मोटा कर लेती है, बिल्कुल उसी तरह से जिससे लूफी अपना एलिफेंट गन में करता है। ये लिटरली बिल्कुल मुझे लूफी के जायंट गन जैसा लग रहा है। और सैटर्न भी इसको देख के बोलता है नीका नीका कहां से आ गया यहाँ पे। लेकिन इससे पहले बोनी कुछ कर पाती है, अचानक से उसकी सारी पावर्स गायब हो जाती है और वो बिल्कुल ही ज्यादा डर जाती है और कहती है मुझे फिर से बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में सैटर्न ने कुछ ऐसा पावर एक्टिवेट कर दिया जिसकी वजह से बोनी के जो पावर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। या तो ये ऐसा हो सकता है कि वो उसके टेलीफूड पावर्स को कम कर रहा है, या फिर ये भी हाकी जैसा कुछ हो सकता है जो कि अभी बाकी के भी क्रूज वो उस चीज को महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हिल नहीं पा रहे। पर मेरे को ये हाकी नहीं लग रहा, इसका इम्पैक्ट कुछ अलग ही है। ऐसा लग रहा है कि सी स्टोन और हाकी दोनों मिला के एक साथ ही यहाँ पर सैटर्न यूज कर रहा है कुछ। यहाँ पर सैटर्न बोनी को बोलता है कि तुझे भी ये नाम पता है, मतलब तू पक्का उसी की बेटी है। पहले तो मुझे लगा ये उसकी बात कर रहा है जो उसका बायोलॉजिकल बाप है, बट एक्चुअली में नीका के बारे में सिर्फ कुमा को ही पता था, तो ऑब्वियसली ये कुमा की बेटी है। इसके बाद सैटर्न उसको बोलता है कि कुमा की ही बेटी है तू और इसीलिए तुझे इसका पूरा मतलब नहीं पता है। और अपने मन में ये चीज वही सोच रहा है जो तुम लोग सोच रहे हो कि शायद बोनी ने अभी तक इस चीज का कनेक्शन नहीं बनाया है कि लूफी का जो व्हाइट फॉर्म है और जो रियल नीका है वो दोनों एक ही है। और सैटर्न बोलता है कि इतनी चूतिया लड़की है। भाई वो चूतिया नहीं है, वो सिर्फ 12 साल की है, उससे क्या उम्मीद कर रहे तू। खैर अभी सैटर्न इधर बोनी को मारने में ही बिजी है कि तब तक अचानक से लूफी के पास बहुत सारा खाना आ जाता है और लूफी उसको दबा दब उठा के अपने पेट में भरने लगता है। सैटर्न भी पूछ रहा है कि आखिर इतना सारा खाना आया कहां से। फटाफट उधर तुरंत उसको सी स्टोन प्रिज्म वाला हैंडकफ पहना होगा ना, वो उठ जाएगा। उठेगा ये अभी मार रहा तेरे को, रुक जा तू थोड़ी। यहाँ पर मरीन्स तुरंत लूफी की तरफ भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि किजारू भी अब उठ के बैठने लगा है, मतलब धीरे धीरे वो उठ रहा है, खड़ा हो रहा है फिर से। अब तुम लोग सोच रहे हो कि बोनी यहाँ पर अपने एज वाले पावर्स का यूज क्यों नहीं कर रही है, वो तो फटाफट सैटर्न का एज एकदम बूढ़ा उसको बना सकती है, छोटा बच्चा बना सकती है। तो बोनी ये चीज ट्राई कर रही है और लिटरली पैनल में ये बोल रही है कि इस बुड्ढे के साथ मैटर क्या है, मैं अपने पावर्स का यूज करके इसका एज हिला ही नहीं पा रही हूँ। इसमें बुड्ढा बोलता है सुन बोनी, वो जो एज वाली पावर है ना वो तेरे ऊपर एहसान किया है मैंने, वो पावर्स मैंने तुझे दिए हैं। इसे बोनी बोलती है क्या क्या बात कर रहा है तू। तो सैटर्न उसको बताता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें हम ये ट्राई कर रहे थे कि जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट हम फ्रूट के पावर्स दे दें बिना उनको उसको फिजिकली खिलाए हुए। खैर वो एक्सपेरिमेंट तो सक्सेसफुल रहा लेकिन वो फ्रूट पूरी तरह से यूजलेस बन चुका है।
और उस फ्रूट की एबिलिटी थी कि वो किसी भी लिविंग थिंग को उस स्टेट में लेके आ सकता है जिस स्टेट के फ्यूचर को तुम इमेजिन कर सकते हो या फिर जिस स्टेट को परसीव किया जा सकता है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि बोनी के एज वाले फ्रूट की तरह कैसे काम करता है। तो मेरी बॉडी है, इसका अगर तुम फ्यूचर इमेजिन करोगे तो मैं थोड़ा और ग्रोन अप दिखूंगा, है ना, आगे चल के मेरे बाल वाल सफेद हो जाएंगे या फिर मैं और बूढ़ा हो जाऊंगा। तो ऐसे ही बोनी को बताया गया था कि उसके पास एज मैनिपुलेट करने वाली फ्रूट है, इसीलिए वो अपना जो एज है वो घटा बढ़ा सकती है और बाकी लोगों का भी एज वो घटाती बढ़ाती थी, वो इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं पा रही थी। एंड दैट अगेन मीन्स कि बोनी के पास भी कोई इमेजिनेशन टाइप की डेविल फ्रूट है जहां पर वो अपने इमेजिनेशन का यूज कर सकती है। और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन याद करो एगेड आइलैंड के स्टार्टिंग में वेगापंक ने भी यही सेम चीज एक्सप्लेन की थी कि ये जो डेविल फ्रूट्स हैं ये इंसानों के ही इमेजिनेशन से आए हुए हैं, जहां पर हम इमेजिन करते थे कि एक चीज इस तरह से हो सकती है तो उसका एक डेविल फ्रूट बन गया, एक इंसान फायर में कन्वर्ट हो सकता है तो उसका एक डेविल फ्रूट आ गया। हो सकता हो इसी फ्रूट का यूज करके कई सारे डेविल फ्रूट बनाए हों, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके आगे सैटर्न बोनी को इस फ्रूट के बारे में बताता है कि क्योंकि ये फ्रूट उस चीज पे डिपेंड करती है कि जिस फ्यूचर को तुम सोच रही हो, तो इसीलिए इसकी पॉसिबिलिटीज और भी ज्यादा लिमिटेड होती जाती हैं, इसका यूजेस और भी ज्यादा लिमिटेड हो जाएगा जितना ज्यादा तुम फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करोगी, क्योंकि प्रेजेंट में तुम्हारी नॉलेज चीजों के बारे में बढ़ रही है। अब अगर तुम्हें ये लाइन नहीं समझ में आई तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि वो प्रेजेंट में बोनी बहुत सारी चीजों के बारे में जान रही है लगातार, ठीक है। अभी तक उसे पता नहीं चला निका के बारे में और उसे सब चीज पता चल गया कि आखिर उसके बाप के साथ क्या हुआ था। वो और भी ज्यादा डार्कनेस में बिलीव कर रही है कि ऐसा कुछ हो सकता है, सैटर्न ये कर सकता है, जिसकी वजह से बोनी का जो पॉसिबिलिटीज है वो लिमिटेड होता जा रहा है, वो फ्यूचर को और ज्यादा नहीं सोच पा रही है। बिल्कुल वैसा ही समझ लो कि जैसा एक डरा हुआ इंसान स्टेट ऑफ द माइंड ठीक से सोच नहीं पाता, बिल्कुल वही सेम चीज इस समय बोनी के साथ हो रही है और इसीलिए उसके पावर्स काम नहीं कर रही। खैर, इतना ज्ञान सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बोनी के पास दो डेविल फ्रूट की पावर्स है, मतलब एक एज मैनिपुलेट करने वाला और एक निका फ्रूट के बारे में। इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बात करना पड़ेगा। देखो, मैंने अपने स्पॉइलर वीडियो में बताया था कि हो सकता है निका फ्रूट का यूज करके, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ में एक बार ये लगा था, इससे पहले शैंक्स ने उसको चुराया था, तो निका फ्रूट का यूज करके इन्होंने क्या बोनी को निका वाली भी एबिलिटीज देने की कोशिश की जब वो पेट में थी। तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो एक गलत स्पेकुलेशन था, क्योंकि अभी अभी सीधे सीधे यहाँ पर सैटर्न ने बोला कि वो फ्रूट बिल्कुल यूजलेस हो गया। नाउ कमिंग बैक टू बोनी, तो उसके पास एक ही फ्रूट है और वो एज फ्रूट ही है, लेकिन वो उसको कब दिया गया था इस चीज का कोई भी क्लैरिटी नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पर सैटर्न बोल रहा है कि उन्होंने ये बेबी के अंदर इंजेक्ट किया था, तो यहाँ से मैं वही चीज उम्मीद कर रहा हूँ जो चीज सांजी के साथ, मतलब सांजी के भाइयों के साथ हुई थी, कि उनके जब वो पेट में ही थे, जब वो अभी एक फीटस ही थे, तभी उनके ऊपर लिनियज फैक्टर का एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब विंस्मोक जज ये चीज कर सकता है तो सैटर्न क्यों नहीं कर सकता, ऑब्वियसली। तो सैटर्न ने भी वही सेम चीज किया बोनी के साथ, जिसकी वजह से वो डेड फ्रूट पूरी तरह से खराब हो गया और बोनी को अपना एज फ्रूट मिल गया। अब तुम सोच रहे हो कि फिर भाई ये निका वाले एबिलिटीज कहां से आ रही हैं? तो देखो, बोनी के पास एज फ्रूट ही है, ये चीज पूरी तरह से क्लियर है, क्योंकि ओडा सेंसेई ने ये एसबीएस 107 में रिवील कर दिया था। तुमने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको जाके देख सकते हो। तो एसबीएस 107 में उन्होंने बताया कि एज फ्रूट ही है, पर यहां पर जब बोनी किसी का एज बढ़ा रही होती है तो वो उनके लिए जो भी पॉसिबल फ्यूचर इमेजिन कर सकती है वो चीज उनके ऊपर अप्लाई कर देती है। अब मुझे पता तुम्हें ये चीज नहीं समझ में आई, मैं तुम्हें और थोड़े सिंपल भाषा में समझाता हूं। सपोज मेरी एज बढ़ाने की पावर है तुम्हारे पास, तुम सोच रहे हो कि अनिकेत की एज बढ़ा देते हैं और तुम ये इमेजिन कर रहे हो कि एज बढ़ते बढ़ते मेरा एक हाथ और ज्यादा मोटा होता जा रहा है, समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पर हो रही है बोनी के साथ। बोनी जब किसी को उस एज में, मतलब किसी का एज बढ़ा रही है, तो वो ऐसा इमेजिन कर रहे हैं कि ये बंदा निका हो सकता है, तो उसके अंदर निका वाली रबर वाली एबिलिटीज आ जा रही है। और अब क्योंकि बोनी इस चीज को और कम इमेजिन कर रही है, क्योंकि मतलब उसके अंदर निका का बिलीव कम होते जा रहा है, इसीलिए वो एज मैनिपुलेट या फिर कोई भी पावर्स बेसिकली यूज नहीं कर पा रही है अभी, क्योंकि एज बढ़ाते हुए उसको कुछ इमेजिन करना पड़ेगा ना कि एज बढ़ा रहा है, ये बुढ़ा हो रहा है, मर रहा है, तो वो चीज यहाँ पर वो इमेजिन नहीं कर पा रही। या फिर हो सकता है सैटर्न के पास कोई एक ऐसा हैक हो, जैसे हमने ऑलरेडी ये चीज अभी तक थ्योरीज में देख ली है कि ये लोग बहुत समय से जिंदा, 800 साल से ऊपर जिंदा है, तो हो सकता है ये हमेशा के लिए अमर हो और हमेशा इसी तरह से दिखते हैं, इसकी वजह से सैटर्न की एज यहाँ पर नहीं बढ़ाई जा सकती। ऑब्वियसली सैटर्न यहाँ पर अपने सारे राज नहीं खोलेगा, क्योंकि ये सब कुछ कहीं ना कहीं से लीक होकर न्यूज़पेपर में आ जाता है, तो सैटर्न कुछ भी नहीं यहाँ पर बोलने वाला। जहां तक मुझे लगता है कि यही बात हो सकती है, सैटर्न के पास ही कोई ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से बोनी की एबिलिटी काम नहीं कर रही। ठीक, सैटर्न भी उसे यही बात बोलता है कि निका एक मिथ है जिसमें तुम बिलीव करती थी और अब ये तुम्हारा बिलीव कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारे पावर्स नहीं काम कर। और जब तक ये सब कुछ सैटर्न वो बोनी को बता रहा है, तब तक हम देख रहे हैं कि बैकग्राउंड के एक पैनल में फटाफट कुमा यहाँ पर उड़ता हुआ सीधे इधर ही आ रहा है। यहाँ पर बोनी बोलती है कि निका असली है, मैं उसे खोज रही हूँ जब से तुमने मेरे बाप को एक साइबॉर्ग बना दिया है। इसमें सैटर्न उसको बोलता है, लेकिन तुम्हारी पावर्स तो काम ही नहीं कर रही है, मतलब ऑब्वियसली तुम उसमें जो बिलीव रखती थी वो धीरे धीरे कम
हो रहा है। तुम्हारा बाप एक नीची जात का बुकनियर आदमी था, उसने तुम लोग को एक चूतिया बात बता दी, एक चूतिया लेजेंड बता दी और तुम लोग उसको मान बैठे हो। एक बार उसने मेरे मुंह पे बोला था कि वो लोगों को बिल्कुल नीका की तरह बचाना चाहता है और फिर वो वहां से भाग गया। गॉड वैली इंसिडेंट की बात कर रहे हैं। और आगे सैटर्न बोनी को बोलता है कि तुम्हारी मम्मी को भी होली लैंड मरी जो इसमें लेके आया गया था, वो 8वें नंबर की वाइफ बनने वाली थी, मतलब होली वाइफ बनने वाली थी, लेकिन फिर भी वो मेरे ड्रग एक्सपेरिमेंट का पार्ट बन गई। ड्रग एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वही जो सांजी की मम्मी के साथ उसके बाप ने किया था। लेकिन फिर भी बाकी के पिछले 7 लड़कियों की तरह ही सिमिलरली तुम्हारी मम्मी को भी वही सफायर स्केल वाली बीमारी हो गई। मुझे तो ऑलरेडी पता था कि उसके रिजल्ट्स पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, उसे बचाया नहीं जा सकता, लेकिन वही सेम बीमारी उसकी बेटी तक पहुंच गई ये मैंने इमेजिन नहीं किया था। और अभी ये सब बता रहा है कि तब तक कुछ तो एगहेड आइलैंड पे बहुत बड़ा सा गिरा हुआ है जिसकी वजह से विस्फोट हो गया वहां पर। और ये चीज सुन के बोनी रो देती है, कहती है कि सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुमने ये सारा कांड किया। ये चीज सुन के तो इवन वेगापंक भी सैटर्न पे चिल्लाने लगता है, एक्सपेरिमेंट तेरी हिम्मत कैसे हुई सैटर्न? उन सैफायर स्केल्स की बीमारी ने कुमा की पूरी परिवार को खत्म कर दिया, उन्हीं सैफायर स्केल्स की वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर दी और तूने इस बीमारी का फायदा उठा के उससे बार्गेन किया, उसको बोला कि अपनी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, जबकि ये बीमारी तूने ही उसको दी थी। इस पे सैटर्न बोलता है, एक बार मेरी नजर से देख, इन कीड़े मकोड़ों की जान की कीमत ही क्या है, ये नीचे जात के लोग हैं और मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये खुद एक मकड़ी में ट्रांसफॉर्म हुआ है और उनको बोल रहा है कीड़े मकोड़े, हाउ इज इट पॉसिबल। और तभी अगले पैनल में हम देखते हैं कि वहां पर बर्थलोम्यू कुमा पहुंच चुका है और उसे देख के मरीन सोच रहे हैं कि ये कोई पैसिफिस्ट है, लेकिन तभी उनको रियलाइज होता है कि इसके ऊपर तो असली पाव बने हुए हैं। तुरंत सारी खबर डेंडन मुशी के थ्रू पहुंचाई जाती है कि साउथ वेस्ट कोस्ट पे बहुत बड़ा कांड हो गया है, फॉर्मर वॉरलॉर्ड बर्थलोम्यू कुमा इस समय एगहेड आइलैंड पर लैंड कर चुका है और वो सीधे दौड़ते हुए आइलैंड के बीचों बीच जा रहा है। हमारा कोई भी कंट्रोल कुमा के ऊपर काम नहीं कर रहा। इसमें सैटर्न बोलता है कि कैसे पॉसिबल है ये, कुमा यहाँ पर कैसे आ सकता है। और अगले पैनल में हम बोनी को देखते हैं कि वो हार मान रही है, वो बोल रही है कि अब मुझसे नहीं झेला जा रहा, मैं कैसे अब फाइट करूं। सारे के सारे मरीज मिलके कुमा के ऊपर गन चलाने लगते हैं, उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुमा नहीं रुक रहा। वो कितना भी उसके ऊपर ब्लास्ट कर ले, कुमा सीधे दौड़ते हुए बोनी की तरफ बढ़ रहा है। बोनी का मोटिवेशन अब पूरी तरह से टूट चुका है, सैटर्न ने उसे इतना बुरा बोल दिया है कि अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा है। वो 12 साल की बच्ची है यार, उसको कितना बोलोगे भाई उसके बाप के बारे में उसके मुंह पे। वो अपने मन में सोच रही है कि पापा मैं अब हार गई हूं, मुझसे अब और नहीं बोला जा रहा, मेरा दिल पूरी तरह से टूट रहा है और अब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बस यही चाहती हूं कि अगर मैं मर जाती तो ज्यादा बढ़िया रहता, मुझे माफ कर दो पापा, मेरी वजह से आपको इतना कुछ झेलना पड़ा। और वो बहुत जोर से चीखने लगती है। सैटर्न भी ये सुन के बोलता है कि इतने दर्द में है तू, अब तो तू मर ही जा। और उसके ऊपर सारे के सारे मरीज गन तान के रेडी हैं उसके ऊपर फायर करने के लिए कि तभी अचानक से हम देखते हैं बर्थलोम्यू कुमा को जो कि तुरंत एम कर रहा है सैटर्न की तरफ। वो इतने जोर से वहां पर अपने पाव के पावर्स को यूज करता है कि सारे के सारे मरीज दूर छटक जाते हैं और बोनी भी सैटर्न के हाथों से निकल कर नीचे गिर जाती है। और इस मौके का फायदा उठा के सैटर्न भी उसके ऊपर अपने पैरों से उसको कुचलने की कोशिश करता है और बोनी अपने मन में यही सोच रही है कि मेरी वजह से ही मेरे बाप को इतना सब कुछ झेलना पड़ा था। और इससे पहले कुछ भी सैटर्न बोनी को करता, कुमा तुरंत बीच में आ जाता है और बोनी को बचा लेता है और सैटर्न का जो पैर है वो कुमा की पीठ में धस जाता है। सारे के सारे मरीज जोर से चिल्लाते हैं बर्थलोम्यू कुमा इज हियर और बोनी भी यहाँ पर कुमा को देख के जोर जोर से रोने लगती है। ये चीज देख के कुमा को इतने जोर से गुस्सा आता है, इतनी जोर से कि इससे पहले सैटर्न उसके ऊपर अटैक करता या फिर करने वाला ही होता है, कुमा तुरंत जोर से घूम के उसको एक पंच मारता है और लास्ट लाइन फादर फ्यूरी के साथ चैप्टर नंबर 1103 खत्म हो जाता है। और इसी के साथ चैप्टर खत्म, बट मेरी वीडियो नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कुमा के बारे में, क्या कुमा के अंदर उसकी मेमोरीज बची हुई हैं? जहां तक मेरे को लगता है वेगापंक ने थोड़ा बहुत उसके अंदर कुछ तो छोड़ दिया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो नेकलेस उसने इधर बोनी को गिफ्ट दिया था वो उससे भी ऊपर का कमांड होल्ड करता हो। और मैं इसी चीज पे मानना चाहता हूँ कि बोनी के पास जो नेकलेस है, जो तावीज दिया गया है, उसी के अंदर कुमा का कमांड होगा, क्योंकि वेगापंक ने ऑल तो एक बैकडोर प्रोग्राम उसके अंदर छोड़ दिया कि जब भी इस नेकलेस का यूज किया जाए तुम उसको बचाने आ जाओ पहले। इसीलिए कुमा वहां से तुरंत उड़ के ड्रैगन के पास से सीधे आके एगहेड आइलैंड पर गिरा हुआ है, वरना किसी भी हालत में अगर मान लेते हैं वेगापंक ने उसके अंदर उसकी थोड़ी सी भी ह्यूमैनिटी या उसका प्यार छोड़ दिया होता तो भी कुमा को कहां पता चल रहा है कि वो एगहेड आइलैंड पे है। तो जहां तक मेरे को लगता है इसी रिमोट की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और इसके अलावा बोनी मेरी बात सुन ले, नीका सच है और वो वहीं पर है, खाना खा रहा है, वो अभी उठ के आएगा और इस बहन के लॉर्ड इस बुड्ढे को मारेगा। वो बुड्ढा कितना मादर चोद है, बुड्ढा कितना बड़ा हरामी है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता, हरामीपन का एक एक हद पार कर रहा है। इंडिया के कास्ट
सिस्टम से भी ऊपर है इसका चुतियापा। मतलब तुम एक बार इमेजिन करो यार, अभी तक हम सोच रहे थे कि कुमा अपनी बेटी की जान बचाने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा है, बट एक्चुअली में उसकी बेटी को जान को खतरा इसी बुड्ढे ने किया था। और उसी से एक बात और उठ कर आती है कि ये आठवें नंबर की वाइफ कौन है। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये लोग बोनी की माँ जो जीनी थी उसको पकड़ के लेके गए थे, उसकी शादी मेरे ख्याल से शायद इमू से कराने की कोशिश कर रहे थे ताकि इनका ये परिवार आगे बढ़ता रहे। लेकिन आई गेस इमू को पसंद नहीं आई होगी वो लड़की, और फिर उसके बाद इसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी सेलेस्टियल ड्रैगन से, मतलब यही फाइव एल्डर्स में से किसी एक के साथ उसकी शादी कराने की ये लोग कोशिश कर रहे हो। लेकिन सब तो बोनी के ड्रिल फूड की पावर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ एज नहीं बढ़ाता, ये एक्चुअली में फ्यूचर को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है। टाइम मैनिपुलेशन इसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं। सो देन अगेन ये कोई नीका ड्रिल फूड का वेरियंट नहीं है, ये मतलब ऐसा है कि ये तुम्हें टेम्परली उस टाइप की पावर्स दे सकता है जो कुछ भी इसका यूजर फ्यूचर में इमेजिन कर सकता है। जैसे बोनी हर समय नीका को इमेजिन करती रहती है, तो इसीलिए उसने नीका वाले पावर्स को मैनिफेस्ट किया है। अगर वो ऐसा इमेजिन करती कि आगे चल के वो बर्फ वर्फ की बन जाएगी, तो हो सकता है उसके पास आओ कीजिए ऐसे पावर्स भी आ सकते हैं। Who knows? तुम्हें क्या लगता है बोनी के पावर्स के बारे में, तुम मुझे ये बताओ। और चैप्टर कैसा लगा? बहुत समय बाद बहुत ही अच्छा चैप्टर देखने को मिला। अबे मैं वेट कर रहा हूँ नीका कब कमबैक मारेगा भाई, मार बुड्ढे को पहन। मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले चैप्टर में। सो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।